दरभंगा पहुंचे महामहिम राज्यपाल सीनेट की बैठक में शामिल होने, पेश होगा यूनिवर्सिटी का 4,70,26,00,000 घाटे का बजट। जी हां, संस्कृत विश्वविद्यालय में मंगलवार यानी आज आयोजित सीनेट की 47वीं बैठक की अध्यक्षता कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ करलंकर करेंगे। वे दूसरी बार सीनेट की अध्यक्षता करने संस्कृत विश्वविद्यालय आ गए हैं। राजभवन से जारी मिनट टू मिनट कार्यक्रम के मुताबिक राज्य सरकार की हेलीकॉप्टर से वे सुबह 9:50 में दरभंगा के लिए प्रस्थान किए हैं। करीबन 10:45 में संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे हैं और सीनेट की अध्यक्षता करते हुए करीबन अपराह्न 2 बजे तक यहां अपना समय देंगे। इसके बाद अन्य कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति होगी। उक्त जानकारी विश्वविद्यालय के PRO निशिकांत ने कल बताया था कि संस्कृत विश्वविद्यालय में करीबन 3.25 घंटे के अपने प्रवास के दौरान कुलाधिपति विभिन्न औपचारिकताओं को निभाएंगे। इसी कड़ी में जिला प्रशासन कैंपस में उन्हें 11 बजे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 11:05 बजे परिसर में स्थापित महाराजा धीराज डॉक्टर सर कामेश्वर सिंह की आदमकद प्रतिमा पर कुलाधिपति मालार्पण करेंगे। 11:30 बजे कार्यक्रम स्थल दरबार हॉल में उनके आगमन के बाद राष्ट्रगान होना है। 11:35 बजे उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं सरस्वती के साथ साथ महाराजा धीराज की तस्वीर पर मालार्पण करेंगे। साथ ही 11:40 बजे कुलाधिपति मंचासीन होंगे, जिसके बाद कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे कुलाधिपति वे मंचासीन अतिथियों का स्वागत करेंगे। 11:50 बजे मंगलाचरण एवं 11:55 बजे कुल गीत होगी। करीबन 12 बजे कुल सचिव डॉक्टर दीनानाथ शाह कार्यक्रम प्रारंभ करने की अनुमति लेंगे। इसके बाद कुलपति स्वागत भाषण प्रस्तुत करेंगे। कुलाधिपति की अभिभाषण 12:15 बजे शुरू होना है। इसके बाद कुलपति प्रतिकुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ सिंह की सीनेट की पटल पर वित्तीय वर्ष 2024-25 का आय व्यय प्रस्तुत करेंगे। इसी क्रम में 1:00 से 1:55 के बीच प्रस्तुत बजट पर चर्चा होगी। गत सीनेट की कार्यवाही की संपुष्टि पर विचार के साथ साथ गत 4 सिंडिकेट की कार्यवाहियों की सूचनार्थ में अनुमोदनार्थी पेश की जाएगी। करीबन 1:56 में शोक प्रस्ताव पढ़ा जाएगा। 2 बजे राष्ट्रगान के बाद अध्यक्ष की अनुमति पर कार्यक्रम समाप्त की घोषणा की जाएगी। बता दें, विश्वविद्यालय का 4,70,26,00,000 से अधिक घाटे का बजट पेश होना है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, दरभंगा के DM, IG, SSP सभी वहां मौजूद थे।